आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। कल भैंसा में जो वाकया हुआ, तेलंगाना की हुकूमत उसका सख्त नोट लेगी। आखिर ये होते कौन है ये लोग? चार लोग मस्जिद में नमाज तरावी की पढ़ रहे हैं, घर मस्जिद में घुसकर गाली गलौज। कौन है वो शख्स? फिर उसका वालिद आकर माफी चाहता है मुसलमानों से, फिर दोबारा फिर आता है वो लड़का, और उसके बाद आप देखते हैं कि अलमास खान पर चाकू तलवार से हमला कर दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जब आपके पास फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है तो भैंसा में रखिए ना, उसको लगाइए पूरे सीसीटीवी कैमरा, क्यों नहीं लगाते वहां पर? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो आप उसको चालान कर रहे हैं, तो भैंसा में क्यों नहीं किया जाए? भैंसा में चाहे कोई भी गलती करा हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मजलिस का हो, या बीजेपी का हो, या हिंदू वाहिनी का हो, कोई भी हो, मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सख्त एक्शन लो आप। ये पीसफुल स्टेट है, क्या बात है कि हर महीना गड़बड़ होगी क्या वहां पर? ये दूसरी गड़बड़ हुई है, क्यों होने दे रहे इसको? अगर सख्ती से आप कुछ लेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इनको मिसाल बनाएंगे, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वाकया भैंसे में हुआ, वहां पर हमारे चेयरमैन जावेद अहमद पूरा ताउन किए, रात भर जावेद मुझसे राबते में रहे, मैं रात भर कल सहरी तक जावेद से गुफ्तगू करते रहा। जावेद ने मुझसे कहा कि क्या करने वाला, पहला काम यह करो कि अमन को बरकरार रखो। बहुत से लोग, जावेद खुद परेशान थे। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा निजामबाद में। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह सुभाना व तआला उस जख्मी को शिफा दे, उसको हयात दे दे, और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि खत्म करो आप इन चीजों को, नोट करो आप, इस तेलंगाना में इस वायरस को बढ़ने मत दीजिए आप। कोविड वायरस खत्म हो जाएगा, उसकी दवा निकल जाएगी। अगर ये वायरस तेलंगाना में बढ़ेगा तो फिर सबको नुकसान करेगा। इसीलिए हुकूमत को चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को चाहिए कि इसका सख्त नोटिस लें।